हेलो एवरीवन वेलकम टू सीबीएल और ये हमारा तीसरा वीडियो है डेली एमसीक्यू सीरीज पर सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन पहला क्वेश्चन है स्टेट हैज़ रिसेंटली इंप्लीमेंटेड अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल फॉर रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ लेपर्ड्स राइट ए मध्य प्रदेश बी राजस्थान सी गुजरात एंड डी केरला बताइए कहाँ पे ये रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है कौन से स्टेट ने पीपीपी uh, मॉडल पे ये स्टार्ट किया है आंसर इज सी गुजरात राइट अब देखो लेपर्ड से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको साल भर से पता चल रहा है कि लेपर्ड्स को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ठीक है तो तीन स्टेट्स में जगह ढूंढी जा रही है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है आपका मध्य प्रदेश सो so, मध्य प्रदेश में कहाँ पे लेपर्ड्स को री इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है ऑल राइट right? तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में मैंशन करें की वो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है एमपी में जहां पे लेपर्ड्स को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ऑल राइट डिजिटल सक्षम विच वॉज सीन द न्यूज रिसेंटली इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर विच सेक्टर आपको मैं बता दू कि सक्षम स्कीम बहुत टाइम से चल रही है इसी का रिवाइम्ड वर्जन है डिजिटल सक्षम ये किस सेक्टर के लिए ए एग्रीकल्चर बी एम एस एम ईज सी एडुकेशन और डी हेल्थ पॉज कर सकते हैं वीडियो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं रिकॉल करिए है आपने जो भी पढ़ा है आज तक एंड ट्राई टू आंसर सो द आंसर इज बी मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम एस एम ई सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए ऑल राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री एज पर एफ एफ ए क्या है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ओके सो मोर देन 5 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ विच कंट्री वुड हेड इनटू हंगर इन 2021 2021 में लगभग 50 लाख लोग हंगर में उनको ग्रसित होंगे हंगर से अफेक्ट होंगे वो किस देश की बात की जा रही कर रहे हैं एफ वाले ए यमन बी ओमान सी सऊदी अरेबिया और डी केनिया अगर आप लोग ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का करंट अफेयर देख रहे हैं वीकली करेंट अफेयर तो मैंने उसमें ये कराया भी हुआ है आंसर इज ए यमन। यमन में आपको पता है हाउथी रिबिलियन हाउथी रिबिलियन चल रहा है पॉलिटिकल टर्मोइल है ऑल तो इस वजह से वहां पे भूखमरी बहुत ज्यादा है ओके तो ध्यान रखिएगा हाउथी रिबिलियन यमन में है ठीक है एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा आपको पता होने चाहिए चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर वॉट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट वुड बी यूज टू ट्रैक द बेनिफिशरीज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन इन इंडिया जिन जिन लोगों को कोविड वैक्सीन लगेगी उसको ट्रैक करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है ए आरोग्य सेतु बी सीरम सिस्टम सी कोविन सिस्टम और डी आत्मनिर्भर सिस्टम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है एग्जाम में आंसर इज सी कोविन सिस्टम ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इन विच ईयर डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इफेक्ट आप सबको पता है कि रिसेंटली ट्वेंटी में कॉन्स्टिट्यूशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ है और नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है तो पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया था नाइनटीन आइंटी फाइव दो हजार एक नाइनटीन एटी सिक्स और टू थाउजेंड एंड टेन और बहुत इंपॉर्टेंट इसका आपका लोगो था याद है जागो ग्राहक जागो राइट right? तो किस ईयर में आया था तो आंसर इज सी 1986 में पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू कोऑपरेट इन हेल्थ एंड मेडिसिन एंड सपोर्ट ग्रीन हेल्थ केयर ग्रीन हेल्थ केयर नाम से एग्रीमेंट इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन किया है ए इज़राइल, बी ब्राजील सी कीनिया और डी अफगानिस्तान पॉज कर सकते हैं वीडियो ट्राई टू आंसर इट द आंसर इज ए इजराइल के साथ हमने ग्रीन हेल्थ केयर स्कीम को एक एग्रीमेंट साइन किया है राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कनबीन कन्फर्ड विद द लीजन ऑफ मेरिट ऑनर बाई विच कंट्री लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री को किस देश ने दिया है ए यूएसए बी यू के सी फ्रांस एंड डी रशिया ये अवार्ड्स वाले क्वेश्चन हर बार आते हैं एग्जाम में तो अच्छे से करना है और हमारे पीएम को मिला तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आंसर इज ए यूएसए ने हमें ये अवार्ड दिया है मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर एट वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डूंग बिजनेस रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी ऑल राइट आफ्टर द रिसेंट अपडेट ऑफ वर्ल्ड बैंक तो आप सबको देखो यहाँ पे एक और आपको आप क्वेश्चन फ्रेम मिल सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता है सो आंसर इज वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी में ए एटी फाइव बी सेवेंटी टू सी सिक्सटी थ्री एंड डी फोर्टी फाइव बताइए आंसर इज सी सिक्सटी थ्री ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन कसकस द स्टेबल फूड ऑफ विच रीजन हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इस कसकस को ऐड किया गया है ये कहाँ का स्टेपल फूड है ए नॉर्थ अमेरिका बी नॉर्थ अफ्रीका सी साउथ एशिया एंड डी साउथ ईस्ट एशिया आपको बता दू थोड़े सूखे एरियाज में पाया जाता है ये आंसर है इसका बी नॉर्थ अफ्रीका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन इसमें पूछा गया है एज पर आई यूसी रिसेंट असेसमेंट विच स्पीशीज इन द इंडियन ईजेट ई जेड क्या है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑलराइट सो लेट्स से ये इंडिया का कोस्ट लाइन है तो यहाँ से लगभग कुछ डिस्टेंस तक माना जाता है लेट्स आई थिंक ट्वेल्व पॉइंट फाइव नोटिकल माइल्स रहता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ठीक है तो इसका डिवीजन होता है बेसिकली टेरिटोरियल वाटर रहते हैं कोस्ट रहता है टेरिटोरियल वाटर रहता है देन आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है ओके सो इस इकोनॉमिक जोन में कौन से क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशी पाए जाते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड पहला है शार्क रेस एंड कायमेराज B है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सी है ब्लैक बर्ग डी है कश्मीरी स्टाइल बहुत सिंपल क्वेश्चन आप ये तीन तो ऐसे ही हटा सकते हो कि ये सब तो लैंड पे पाए जाते हैं ये आंसर है आपका शार्क एंड काय ओके सो ऐसे भी थोड़ा दिमाग खोल के रखना है और राइट right? अब देखो इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आई का हेड क्वार्टर्स का कहाँ पे है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ आई मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर इलेवन ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन इज द क्लोजर अपियरेंस ऑफ विद्स टू प्लान कौन से दो प्लान के पास आने को ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन कहा जाता है ए मार्स एंड अर्थ बी जुपिटर एंड सैटन सी यूरानस एंड सैटन एंड डी अर्थ एंड वीनस स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते तो इस टाइप के फिनोमेना पूछे जा सकते हैं तो देखते हैं आंसर आंसर इज बी जुपिटर एंड सैटन राइट चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू स्पेस चाइनीज स्पेस क्राफ्ट चांगे फाइव हैज रिटर्न टू द अर्थ कैरिंग सैंपल्स फ्रॉम विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी अगर सिंपल टर्म में इसको मैं समझाऊं तो चाइना का चांगे फाइव मिशन कहाँ के लिए है ए मार्स बी जुपिटर सी मून और डी वीनस सो द करेक्ट आंसर इज सी मून के लिए मिशन है आपका चांगे फाइव e इसी से रिलेटेड एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा होप मिशन अभी न्यूज में था पेपर में कल ही आया है होप मिशन किस कंट्री का है विच कंट्री और कहा के लिए ये मिशन है ठीक है मैं हिंट देता हूं ये पहली इस्लामिक कंट्री है जिसने ऐसा मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया है तो कंट्री और कहाँ के लिए भेजा गया है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं राइट सिमिलरली क्वेश्चन है आपके लिए आर्टिमिस मिशन आर्टिमिस ठीक है ये मैं आपको बता रहा हूं ये नासा का मिशन है कहाँ के लिए वेयर ये मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए सो होप मिशन का प्लेस कहां के लिए भेजा जा रहा है और किस कंट्री का है ये मुझे आप बताइए और आर्टिमिस मिशन को कहाँ भेजा जा रहा है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर कंट्रीज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क किस स्टेट में बनाया जा रहा है ए गुजरात बी राजस्थान सी तमिलनाडु डी महाराष्ट्र बहुत ही अच्छा है लॉजिक लगाओ सोन में आ जाएगा प्रधानमंत्री कर रहे हैं देश का सबसे बड़ा कर रहे हैं सो आंसर इज ए गुजरात ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हु चेयर द मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल देखो तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में ये स्टेटमेंट आया था कि दिस पर्सन चेयर द मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल तो बताइए कौन है वो आरबीआई गवर्नर फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर या वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सो द करेक्ट आंसर इज बी फाइनेंस मिनिस्टर ये चेयर करते हैं ऑल राइट चलिए मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे यूरोपियन यूनियन इज द पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज बताइए प्रेजेंट में यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं हिंट मैं आपको दे देता हूँ ब्रेगजिट ध्यान में रखिएगा ब्रिटेन एग्जिटेड द यूरोपियन यूनियन सो so, अब कितनी कंट्रीज हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा ए पच्चीस बी छब्बीस सी सत्ताईस और डी अट्ठाईस द आंसर इज सी ट्वेंटी सेवन कंट्रीज हैं पहले ट्वेंटी एट थी ब्रिटेन ने एग्जिट किया अब हमारे पास ट्वेंटी सेवन कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में ऑल राइट सो दिस इज द इंटायर सेशन फॉर टुडे आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा अगर अच्छा लग रहा है तो डू लाइक एंड कमेंट इन द वीडियो ऑल राइट right. और इस टाइप से डेली सेशन ये चलते रहेंगे सो so, प्लीज़ डेली सॉल्व करिए एम सी क्यू प्रैक्टिस करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो हैव अ सेफ दे